हटाना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन एकदम से बहुत फास्ट देखेंगे, पर्यावरण से अभिप्राय है क्या? विकल्प आप लोग देखिए, विकल्प आप सभी के सामने है। तो ऑप्शन हमारा एक का सही होता है, वेरी गुड। ओके अन्नपूर्णा, अंजलि, रवि, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पर। तो एक का, ठीक है, एक का हमारा सही होता है डी। एक का हमारा सही होता है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। हाँ, आपकी बात क्लियर होगा, जब नोटिफिकेशन जाता है तब क्लियर नहीं होता है, हमेशा की बात है। तो चलिए, पहली रिप्लाई रवि की थी। क्वेश्चन नंबर दो, पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा दो का कौन सा सही होता है? दो का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ आते हैं, पर्यावरण, अगर आपको डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग इससे पहले का हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो तीन का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं चार की तरफ, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यूपी टेट का, सी टेट का, एकदम से पेट क्वेश्चन है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। तो चार का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 5 जून। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करते चलिए, जितने लोग हैं उतने लाइक तो आज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। पांच का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जल चक्र में। क्लियर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ, पांच का सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह की तरफ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ पे? बैंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो छह का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ आ जाते हैं, पहला शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वाशिंगटन, जेनेवा, रियो डे जेनेरियो। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? सात का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ आ जाते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आठ का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न था, हुआ था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, वो आठ का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो ऑप्शन हमारा नौ का सही होता है सी, वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर दस की तरफ आते हैं, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। वायु क्या है, यौगिक है कि मिश्रण है? तो दस का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं सारे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एकदम से परफेक्ट क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन नंबर। ये 500 अगर आप तैयार कर रहे हैं, 500 तैयार कर रहे हैं तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं 95% आपका ईवीएस तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती कितनी? 21%, 27%, 50%, 78%। तो ऑप्शन हमारा सही होता है 11 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो 12 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नाइट्रोजन का। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा 13 का सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की मुक्ति। तो 14 की तरफ आ जाते हैं, 14 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 14 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सॉरी सी सही होता है 14 का हमारा ऑप्शन, वायु का प्रदूषण ये नहीं करते हैं,
ये तो खुद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने का काम निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, श्वसन की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी की क्रिया में। तो किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रिलीज होती है? तो ऑप्शन हमारा 15 का सही होता है बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, अपकर्ष यानी कि नुकसान से ले सकते हैं। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 17, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 17 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नैरोबी केन्या में। यूनाइटेड, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए, आप लोग के लिए एक काम है, यूनाइटेड नेशन तो क्या होगा यहाँ पे? एजुकेशनल हो गया, एनवायरमेंटल होगा? चलिए बता देते, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? क्वेश्चन मेरा पूछने का ये मतलब होता है कि आप लोग सर्च करके अगर वो बताते हैं ना, तो वो आप अस्थाई रहता है, एकदम से आपके माइंड में हो जाता है, वो सेट हो जाता है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत तो उसके पीछे किए रहते हैं, तो यही पूछने का हमारा रीजन होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वेरी गुड अरविंद शर्मा, मैक्सिमम लोगों ने बताया। हाँ ठीक है, स्वाति, पूजा, ओके। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन सही है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 19 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 20 की तरफ। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया क्या? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो 20 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 21, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 21 का सही होता है सी, मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन नहीं गया लग रहा है। 22, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो 22 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 30 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च। तो 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 24, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो 24 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, चंदौली में। क्वेश्चन नंबर 25, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गैंडा का, शेर का। तो 25 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, शेर का। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सब कुछ हम डिटेल में बता चुके हैं, आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप पहले की वीडियो हमारी देख सकते हैं। 27, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और अपघटनकर्ता। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन सही होता है प्राथमिक उपभोक्ता। 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है 28 का? 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, जैव भू रासायनिक चक्र।
29 की तरफ आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो 29 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 16 सितंबर। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही है आप लोग बताइएगा। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जाता पता है हमें, इससे पहले वाले, जब पहले वाली क्लास का नोटिफिकेशन गया था जब आवाज क्लियर नहीं जा रही थी ना। तो चलिए 29 हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो ऑप्शन हमारा 30 का सही होता है बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। ऑप्शन हमारा 31 का सही होता है सी, शनि का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो 32 का हमारा ऑप्शन सही होता है एक, गुणवत्ता से। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो 33 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो 34 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 1973 में। 35 पे आते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो 35 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 36। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में। तो 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, राजस्थान में। ठीक है, 37 की तरफ आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो 37 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट चलते हैं 38। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, ज्वार भाटे से। फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को और बता देते, पूरे यहाँ पे जितने क्वेश्चन है उस आप स्कोर करते चलिएगा, आपकी स्कोरिंग कितनी होती है वो बहुत मायने रखती है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स सही होते हैं बिना चीटिंग के। ठीक है, तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो 38 का हमारा ऑप्शन सही होता है, 38 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। क्वेश्चन नंबर 39। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, विकल्प आप सभी देख लीजिए, विकल्प आप सभी के सामने है। तो ऑप्शन हमारा 39 का सही होता है। चलिए आप लोग हम कमेंट अब इस बार देख रहे हैं रिप्लाई, तो 39 का हमारा ऑप्शन सही होता है। ओके, वेरी गुड। ये 39 कब से है? अभी यही लेट हो जाता है ना इतना देखें। 39 में सबसे पहले रिप्लाई किया प्रशांत ने, फिर रागनी, रवि, कान। तो 39 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, खेत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अब ये इधर की तरफ चलते, 41 की तरफ। ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? यूकलिप्टस, देवदार, सिकोया, सागौन। तो 41 का हमारा ऑप्शन सही होता है, 41 पे आ जाइए। ओके, 41 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, सिकोया। क्वेश्चन नंबर 42। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? उत्तर हमारा सही होता है 42 का डी, रेड डाटा बुक में।
क्वेश्चन नंबर 43, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्कर द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो 43 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से इसका संबंध होता है। 44 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थान पद्धति नहीं है? तो यक सीटू, यन सीटू से भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था, हमें याद है 2011 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, वनस्पति उद्यान इन सीटू नहीं है, इन सीटू का संरक्षण नहीं है वनस्पति उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 45 की तरफ। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, संगोधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। 45 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो आप सभी के सिलेबस में पेड़ पौधे और जंतु पेड़ पौधे वाले पोर्शन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शांत घाटी स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। देखिए, इससे पहले फूलों की घाटी थी, अब यहाँ पे शांत घाटी है। आपके पूरे 65 क्वेश्चन होंगे, 65 क्वेश्चन यहाँ पे हम एक साथ कवर कर रहे हैं फास्ट रिविजन के तौर पे। तो फास्ट नहीं, सुपर फास्ट कहेंगे ना इसे। 46 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 मई को, 2 अप्रैल को, 2 मार्च को। तो 47 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 2 फरवरी को। ठीक है, 48, जलवायु परिवर्तन का कारण है, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा 48 का सही होता है डी, सभी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़ते हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा 49 का सही होता है ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? तो 50 का हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा, इसको छोड़िए यहाँ पे, सी सी पार्क ने, जे एन एन जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जेपलर ने। ऑप्शन हमारा 50 का सही होता है सी, जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 51, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? गैस समूह आप लोग देखिए ए बी सी और डी में से, अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। तो 51 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, CO2 और CH4। नेक्स्ट 52, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन हमारा 52 का सही होता है ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 54, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन हमारा सही होता है हाइड्रोजन, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि पहली बार ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है डी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र या सबसे पहले प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षा वन, टैगा, भारतीय मानसून। तो 56 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 56 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। 57 पे आ जाते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती वह है क्या? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो 57 का हमारा ऑप्शन सही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो 58 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, 58 ये हो गया क्लियर, सी ऑप्शन हमारा सही होता है। 59, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है और सुपर फास्ट रिविजन भी हो रहा है ना साथ में। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जितने लोग हैं उतने तो लाइक कभी आप पूरे दे दीजिए, 100% ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग 80 भी देंगे ना हम समझ जाएंगे 100 हो गया। 59, आप लोग क्या कहते हैं लाइक से क्या होगा, लाइक ऐसे जानते हैं क्या होता है लाइक से, जैसे वीडियो हाँ आपके लिए कितना रिलेवेंट है ये पता चल जाता है, बस यही बात होती है। 59, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। 59 कौन सा होगा, विकल्प आप सभी के सामने है, अभी मैंने बताया तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता बी, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती, आने से रोकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 60 की तरफ। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, राजा जी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हाँ रिवीजन है रिवीजन। अच्छा तो 60 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आप लोग आराम से पढ़ के जितना भी एक्सप्लेनेशन था डिटेल वो आप लोग नॉलेज गेन कर चुके हैं, अब लास्ट मोमेंट पे क्या होता है फास्ट रिविजन ही होना चाहिए ना। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इससे पहले आप लोग वीडियो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वाली, अगर फास्ट देखना है तो इसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 61, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? 61 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, विकल्प आप सभी के सामने है, तो 61 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। क्वेश्चन नंबर 62, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टैग्लोमीटर, थर्मामीटर। ऑप्शन हमारा 62 का सही होता है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है। दूध में ऐसा लंबा सा इस तरीके से होता है, उसको दूध में डुबो दिया जाता है और पानी कितना होता है पता चल जाता है, और दूध कितना होता है वो भी पता चल जाता है। 63, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसे जैसे थर्मामीटर आप नहीं देखते हैं ऐसे एक पूरे उसके अंदर बंद होता है, थोड़ा सा इस तरीके से अंदर उधर लगा होता है बस। क्वेश्चन नंबर 63, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 63 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 64 की तरफ। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो ऑप्शन हमारा 64 का सही होता है ए, आयनमंडल। ठीक, और संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग सभी लोग रिप्लाई करके हमें बता चुके हैं तो बता देते हैं, नील नदी है। और आपकी एससीईआरटी में भी आएगी। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। 65 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे होते हैं कंप्लीट। तो आज का सवाल आप सभी के लिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, सॉरी, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और ये सुपर फास्ट रिवीजन कैसा लगा, और अगर आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं इसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा हमेशा की तरह, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक पक्का कीजिएगा। और पढ़ते रहिएगा, सबसे बड़ी बात है कुछ ना कीजिए, पढ़ते रहिए कॉन्सेंट्रेट होकर के, रिविजन अब पता है रिविजन करते रहिए, रिविजन रिविजन रिविजन, सिर्फ रिविजन बस, आप जरूर सफल होंगे, सफल होने से आपको